मेरी बात सुनो भाई। रोड ब्लॉक रोड ब्लॉक करना, रोड जनता सारी चले गई, जनता है सारे लोग, जनता सारी है, उसे तो हम आपके हैं यार, डरी नहीं है, डरी नहीं चलनी बजर बोला जिला इंतजामिया ते मनोज सिन्हा दी इंतजामिया असे गल जरूर रखेंगे कि केंद्र दे मंत्री की जेका से सुनेहा दिता सारी रियासी मीडिया इसी भरपूर तरीके ने नोट करिए भेजे की 17 तरीक जम्मू सूबा दे अंदर इस तरीके की कार्यशैली जाने वाली है कि मनोज सिन्हा का तख्त बदली देना, मनोज सिन्हा गवर्नर का तख्त बदली देना जम्मू कश्मीर दे विच। इन्हें दिल्ली बजरे ने अत्याचार किया सो पहला व्यवहार करा जम्मू कश्मीर के लोगों ने असं गल जरूर रखिए कि असं रोकी जा रहे सारे जम्मू कश्मीर के जवान उनकी ड्यूटी नहीं उन्हें जी बड़िया हिदायतें दी दी उनके ऊपर सरकार बैठी थी उपरा और सरकार भी केड़ी है अस उनकी वर्दी की सल्यूट करने देश कितने शहद देने वाले दिल्ली पेने के पिछले ना जो दो बोलती रोटी मंगा वाला यह रियासी जिले की इंतजामिया रियासी की बीजेपी छप्पी छप्पी अगर रियासी की बीजेपी की दम है मैं चैलेंज कर रहा हूं कि रियासी की बीजेपी इन दिल्ली बजरे समक्ष गल रखे रियासी की बीजेपी इन 9 साल का हिसाब दे कि दिल्ली बजरे ने क्या किया है अब बड़े शर्म की गल है गड्डिया के शीशे बंद करिए दिल्ली बजरे दिखिए गड्डिये शीशे बंद करिए जा रहे शर्म वाली जगह दिल्ली बजरे कशा इस करिए जगह इतने मंत्री पद लोग आ रहे हैं उन्हें लोगों की यह सुनेहा है सारा कि अज तुसें अस इतने सुनेहा देने अज एक मिनिस्टर आ रहे परसों और नमे होने जेका भी मिनिस्टर रियासी अंदर शिरकत करता है उसी दिल्ली बजरे जोरदार तरीके ने इन्या भी स्वागत करे अज थोड़ी ये देर हुई लेट होगी अस थोड़ी जी लेकिन अगली तैयारी लेट नहीं होनी चाहिए ये तुसें ध्यान रखना सारे लोगों की इन्हें लोगों की जाति की सारे कहने कौमी गल की है क्या कि दिल्ली बजरे आदमी रुट्टी नहीं खाता दिल्ली बजरे बच्चे स्कूल नहीं पढ़न दिल्ली बजरे ने माँ प्यो अच्छी तरीके ने जी नहीं जिंदगी क्या दिल्ली बजरे का परिवार नहीं लोग नशा नहीं करना चाहते दिल्ली बिजली की इस करिए अस गल बार बार आखने सरकार रेगुलर पॉलिसी एसआरओ चोड़ दो पर गल करे और मनोज सिन्हा की सारा साफ संदेश है कुर्सी छोड़ो दिल्ली वास्ते रस्ता देखो सारा संदेश डिप्टी कमिश्नर रियासी की भी है कि डिप्टी कमिश्नर रियासी ने जेका दिल्ली बिजली ने झूठ बोले और अपने आत्मसम्मान का जेका मीडिया के बीच डीसी रियासी ने स्टेटमेंट दिता उस स्टेटमेंट की डिप्टी कमिश्नर रियासी ने मीडिया की बुलाइए दोबारा वापस ले मेरा चैलेंज है डिप्टी कमिश्नर रियासी की यकीन मेरे ऊपर कार्रवाई करनी डिप्टी कमिश्नर ने कर सकती और हाथ के पावर है लेकिन दिल्ली बजरे कहने अत्याचार होगा इसी अस सहन नहीं करके ये मेरा थोड़े कहने वायदा है साथी आवाज दो आवाज दो आवाज दो